Hi guys, this is Priyanka Bhagat and we are here for the Silver Mantra live chat with Milind Gaba. And as you guys just know that Milind ka bhi naya naya gana aaya hai. So, hum Milind ke bahut sare questions jo aap logo ne diye hain, wo lene wale hain. और बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं हमारे पास ऐसी जो मिलिंद आपके रिक्वेस्ट सुनेंगे भी, आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे भी. सो हम मिलिंद को अभी नेक्स्ट 1 मिनट में ऐड करने वाले हैं. और यू गाइस कैन पिन मी आउट, यू गाइस कैन सेंड मी मैसेजेस, यू गाइस कैन सेंड योर क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क फ्रॉम मिलिंद गाबा. एंड कीप ट्यून टिल द वीडियो गेट्स एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट. आई एम जस्ट सेंडिंग दिस रिक्वेस्ट टू मिलिंद सो दैट ही कैन ज्वाइन अस. जस्ट अ सेकंड गाइस. And we have sent, I think Milind is going to be here in next 1 or 2 minutes. Just let's wait. And Milind is here. What's up? Hi Milind, this is Priyanka. After long time we are meeting again. कैसे हैं आप? Is it audible? Yeah, you are audible. Okay, so your voice is not audible to me. Can you please check once? Hi, hi, hello. What's up? अभी ठीक है? No, it's not. It is not? ऐसे कैसे? Yeah. Just check once. Can I go offline? How are you doing? I'm doing very. Lockdown going on. Lockdown is treating me very bad. It's quite boring now. I'm just fed up of this boredom. So Milind, आप total एक party वाले person हो and lockdown आ जैसा आप बोल चुके कि बहुत bore कर रहा है. So exactly Milind कर क्या रहे in this lockdown terms? Milind बस ये कर रहे हैं, देखो रोज आके यहाँ पे ये सब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे. This work my only savior. So this हम इसका मतलब ये लेके चलें कि बहुत सारे songs जो हैं जो Milind ready कर चुके हैं in this lockdown term. Yes, बहुत सारे songs ready कर चुका हूँ, बहुत सारे. Okay, so जैसे lockdown खुलेगा Milind के songs back to back मिलेंगे हमें. अरे lockdown खुलेगा क्या, lockdown बंद में भी मेरा गाना आया एक, तेरी यारी जिसका नाम है, जिसके बारे में हम अभी इसके लिए हम यहाँ पे हैं. तो क्वेश्चन स्टार्ट करें, हम अपने व्यूअर्स के क्वेश्चंस लें. तेरी यारी से स्टार्ट करते हैं. सो कैन यू प्लीज सिंग फॉर अस तेरी यारी सो दैट वी कैन गेट टू नो अबाउट व्हाट तेरी यारी इज एंड हाउ इट्स मेंट. फॉर श्योर. वे मैं जिन्नी वारी दुनिया ते आवा, तेरा बार का यार ही पावा, मेरा भाई मेरा यार मेरी जान, तेरे पीछे किसी तो भी लड़ जावा, बस तू ही मेरा यार, बस तू ही मेरा प्यार, तेरे तुम्हारी दुनिया में सारी, तेरी यारी तेरी यारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यार, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी. थैंक यू. So Milind, this song is in the label of T-Series. And T-Series ke aapke pehle bhi kaafi collaborations rahe hain. Yaar Mordo was with this. And friendship ka alag ye zone hai Milind ke saath. So ye gaana actually kaise hua Milind? And it's 15 million views now. So actually how this song happened? Yaar, meri koshish rehti hai ki main har 2-3 saal baad gaana ek aisa banaun jo apne friends ko dedicated ho. To 2016 mein maine banaya tha Yaar Mordo. Yeah, right. In from my home company T-Series, it's like a family now. And अभी मैंने 4 साल बाद बनाया तेरी यारी. तो मैं फ्रेंड्स को बहुत वैल्यू करता हूँ. बीइंग अ सैजिटेरियस, मैं डिसम्बर बॉर्न हूँ तो सैजिटेरियस हूँ. तो ये जो इनमें एक ट्रेट होता है कि ये अपने फ्रेंड्स को बहुत वैल्यू करते हैं, अपनी बहुत इज्जत करते हैं, अपने फ्रेंड्स की साथ लेके चलते हैं सबको. तो मैंने गाना बना दिया इनके लिए, दैट्स ऑल. और कोई स्टोरी नहीं.
कंग्रेचुलेशंस, फिर से एक और सिंगल हिट है आपका, एंड थैंक यू दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव आल्सो कोलैबोरेटेड विद अपार शक्ति. सो हाउ वाज द जी। एक्सपीरियंस? तुम्हारा नेटवर्क स्लो है, अभी आ रही है बट आवाज? अभी आ रही है? हाँ, ये तो अपार भाई के साथ इतना बढ़िया हुआ कि मुझे लगता, मुझे क्योंकि वो बॉम्बे रहते हैं तो मुझे लगा कि वो यार वो ऐसे वाले लोग होंगे कि मेरा टाइम ओवर हो गया, मुझे शॉट देना है, मैंने कर दे दिया शॉट। अच्छा, मेरा चाय पीने का टाइम हो गया, मेरा बिस्किट खाने का टाइम हो गया, मेरा ये का टाइम हो गया, वो टाइम हो गया। तो जैसे बॉम्बे वाले लोग होते ही हैं, तो बॉम्बे वाले लोग दे वर्क फ्रॉम मे नॉट फ्रॉम मे। तो मैंने ऐसे सोचा कि अपार भाई बहुत ही फॉर्मल होंगे, बहुत ही यू नो कंजर्वेट, मतलब रिजर्व्ड होंगे। वो क्या होते हैं उसको जो अंदर अंदर रहते हैं, चलो इन कंजर्वेटिव. इंटेंसिव नहीं, चलो ऐसे कुछ मैं नाम आ जाएगा बता दूंगा। तो वैसे वाले होंगे, बट वो वैसे थे ही नहीं यार। वो जैसा मैं पागल हूँ, जैसा मैं क्रेजी हूँ, वैसे ही वो थे। और काफी मस्ती करने सेट पे, ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा लगा कि हम कितनी बार ही मिल चुके हैं और काम पहली बार कर रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। व्हाट्स योर नेम? आपसे मनीष जी पूछ रहे हैं, व्हाट्स योर नेम? हर नेम इज प्रियंका एस पशुपति। इंट्रोवर्ट 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 मिस फरमत, थैंक यू सो मच। इंट्रोवर्ट मिलन, जैसे हम आपका करियर ग्राफ देख रहे हैं, यू स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल दिल्ली टाउन बॉय एंड नाउ यू आर द मिलिंद गाबा, एज अ ट्विटर नेम ऑल्सो सजेस्ट द मिलिंद गाबा. सो पाजी हाउ द पाजी जर्नी हैज बीन? मिस्टर इंट्रोवर्ट इज देयर। मैंने सोचा आप इंट्रोवर्ट हो गए, बट यार आप बस पाजी वगैरह दाए दाए विच है गहरी खाई। पाजी और मेरा एक वो है ब्रो कोड है, तो जो जब भी हम मिलते हैं वो गाते रहते हैं। एनीवे अभी भी यार मैं अभी भी कोई बड़ा स्टार नहीं हूँ, अभी भी आई एम स्मॉल डेली गाय, जब द गाय नेक्स्ट डोर। आई एम जस्ट वर्किंग हार्ड एंड जस्ट मेकिंग माई पेरेंट्स माई सेल्फ प्राउड, दैट्स ऑल। और ये हर कोई काम करता है यार, ये मैं कोई अलग नहीं कर रहा, मैं कोई बड़ा नहीं कर रहा। आई एम जस्ट वर्किंग फ्रॉम माई हार्ट, जस्ट क्लीन फ्रॉम माई हार्ट। ना किसी के बारे में बुरा सोचा ना बुरा करा है, तो ऐसे ही हो रहा है। और आई एम सो ब्लेस्ड कि इतने सारे लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ये टाइम जिस टाइम पे हम लोग दिख रहे हैं, काफी ज्यादा सिंगल्स लोगों के आ रहे हैं, इवन जो सिंगल्स नहीं है दे आर आल्सो परफॉर्मिंग एज सिंगल्स, एंड उनके सिंगल्स भी काफी हिट हो रहे हैं. सो डू यू थिंक दैट दिस इज द राइट टाइम फॉर द सिंगर्स टू मेक देयर सिंगल्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म नाउ, अपने आई थिंक सॉन्ग लेकर आए? एट द एंड वी आर एंटरटेनर्स, यू नो वी हैव टू एंटरटेन पब्लिक। चाहे हमें, मैं वही सोच रहा था कि लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद ये सारे अपने अपने जॉब्स पे चले जाएंगे। जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी होगी वो जॉब पे चला जाएगा, जिसकी फैक्ट्रीज होंगी तो फैक्ट्री पे चला जाएगा। बट जो हमारा जॉब है ना वो एंटरटेनमेंट जॉब है, वो सिर्फ हैप्पीनेस का जॉब है। जब जहाँ पे खुशियां होती हैं वहां पे हम परफॉर्म करते हैं, है ना। अनलेस अंटिल लाइव गैदरिंग्स नहीं होगी तो वहां पे मतलब हम परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। तो आप ये मान लो कि हमारा नेक्स्ट एक साल तो एकदम पानी में लगे, एकदम मिट्टी है। नेक्स्ट एक साल तक कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होने वाला, इसकी चिंता हमको है। बट ऑन कैमरा हम ये आके बोलते हैं कि वी आर एंटरटेनर्स, वी सिंग फॉर यू, वी मेक यू नो गो टूवर्ड्स पॉजिटिविटी एंड यू नो हम नेगेटिविटी से आपको दूर भगाते हैं, एनकरेज करते हैं कि कोरोना भाग जाएगा, दिस इन दैट ये वो। तो दैट्स आवर जॉब। मुझे लगता है कि लॉकडाउन होना हो, एंटरटेनमेंट एंटरटेनर का जॉब तो एंटरटेन करना ही है। तो वो अभी निकाले बाद में निकाले, निकालना ही चाहिए ऐसे। सुमिरन, हमारे पास काफी सारे फैन क्वेश्चंस भी हैं ऑन आवर ट्विटर्स एंड एवरीथिंग. सो उसमें से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. सो देयर इज वन क्वेश्चन कि अगर मिलिंद को चांस मिले टू डेट अ बॉलीवुड एक्ट्रेस और अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी, तो वो दिशा कौन पाटनी, होगी दिशा पाटनी। एंड व्हाई पर्टिकुलर दिशा पाटनी? एनी फैन फैन स्टफ और यू जस्ट लाइक हर? मुझे वो अच्छी लगती है, क्रश। सो एनी सॉन्ग फॉर दिशा पाटनी? एनी सॉन्ग अबाउट दिशा पाटनी? मैंने उनके लिए या रफ्तार से कोलाब करो, रफ्तार भाई होता है भाई मेरे भाई, कौन बोला शाम, रफ्तार भाई होता है। अगर तू मुझे मिलन भाई बोल रहा तो उनको भी रफ्तार भाई बोल। ओके दिशा पाटनी इसलिए क्योंकि उनका रंग ब्राउन है यार। मुझे मुझे गोरी लड़कियां नहीं पसंद, मुझे ब्राउन लड़कियां पसंद है, मुझे सांवली लड़कियां पसंद है। तो दैट्स हाउ आई एम, पता नहीं मेरी वियर्ड सी चॉइस होगी। बट मैंने उनके लिए लाइन लिखी थी कि
जो तुझ में है वो किसी में बात नहीं, मीठी बोली तेरी जैसे तू हो जाट नहीं, मुझे वो मुझे तू उतनी पसंद है जितनी पसंद है मुझे बॉलीवुड में दिशा पाटनी। तो आई डेडिकेटेड एंड मैंने उनसे शेयर की थी, फिर उन्होंने रीशेयर की थी, मैंने कहा थैंक यू सो मच, फिर हमारी बातें चालू हो गई थी, मैं बताऊंगा पता नहीं। सुमन, जैसा अभी आपके ये सिंगल आ चुका है, इससे पहले भी आपके काफी सारे हिट सॉन्ग्स आ चुके हैं, एंड इसी पे हमारे फ्रेंड्स ने और आपके फैंस ने, आप जिसको आप फैम बोलते हो, तो काफी लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया है, एंड दैट इज यार मोड़ दो, जो आपका सिंगल काफी हिट था, एंड इफ यू कैन सिंग दैट सॉन्ग फॉर आवर व्यूअर्स। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? मुझे इन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है क्योंकि मैं बहुत लाइव कम आता हूं। आप बात कर सकते हो, करता रहूंगा एड्रेस उनको। राइट, सो मिलन, आपका एक सॉन्ग है जो कि ग्लोबल म्यूजिक रिपोर्ट पे टॉप 10 में है, एंड दैट्स ए, आप बताना चाहोगे अपने व्यूअर्स को? यस, सीरोन करेक्ट सॉन्ग है। सो हाउ दिस सॉन्ग वाज हियर, कैसे बना वो सॉन्ग? यार मुझे मुझे एक गाना बनाना था जो जो स्लैंग बनाना था मैंने, तो मुझे पहले यू डोंट नो ख्याल आया था, ये जिसने मेरे साथ लिखा है ध्रुव योगी, अगर वो हीज है, तो हम काफी देर बैठे रहे यू डोंट नो पे, तो फिर मैंने सोचा कि डू यू नो तो दिलजीत पाजी का गाना आ ही रखा है, तो लोग कंपेयर करेंगे, लोग कहेंगे कि यार सेम कर दिया ये दिस नॉट ये वो, तो वी केम अप विद शी डोंट नो। शी डोंट नो इज अ स्लैंग, हालांकि वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, शी डजंट नो होता है, बट शी डोंट नो इज अ स्लैंग, गोरे गोरे बोलते हैं, तो मैंने कहा चलो हम भी ये पंगा लेके देखते हैं, एंड द पंगा वेंट सो वायरल, मुझे पता नहीं था तब तक, तो टिकटॉक नया नया आया था और इस पे इतनी ज्यादा वीडियो बनी, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना तामझाम हिट हो गया। आज अभी परसों ये टी सीरीज की तरफ से मुझे, मेरी कंपनी की तरफ से मुझे एक वो आया, आर्टिकल आया जिसमें टॉप 5 गानों में से एक गाना शी डोंट नो था ऑल ओवर द नेशन, तो आई फील सो ब्लेस्ड, बढ़िया बढ़िया हो गया काम। राइट, सो मिलन, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं और रिसेंटली मोदी जी ने बोला आत्मनिर्भर बनो, सो व्हाट इज मिलन गाबा इज गोइंग टू डू विद दिस आत्मनिर्भर थिंग? आई हैव बीन आत्मनिर्भर सिंस आई वाज बोर्न, मैं सेल्फ डिपेंडेंट ही हूं, मैं किसी पे भी डिपेंड नहीं होता, मैं सिर्फ अपने वर्क पे डिपेंडेंट हूँ, सॉरी मैंने आलू के परांठे खाए तो इसलिए, मैं अपने सिर्फ काम पे डिपेंडेंट हूँ, मैं अपने सिर्फ कॉन्फिडेंस पे डिपेंडेंट हूँ, आई जस्ट फोकस ऑन माई सेल्फ ओनली, किसी से भी जेलसी नहीं है, किसी से भी यू नो कोई किसी का बुरा नहीं चाह, तो ये है कि बस जो मन में आता करता रहता हूँ, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी एट द एंड। आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ मिरर के सामने वाला बंदा, मतलब यानी कि आप ही होना चाहिए। So, मिलन, एक फैन का क्वेश्चन है दैट अगर मिलन गाबा सिंगर नहीं होते तो क्या होते? यार मिलन गाबा व्हाट नेक्स्ट, म्यूजिशियन होता, साउंड डिजाइनर होता, और अगर और ये भी नहीं होता तो मैं कुछ ना कुछ तो गाने गुने से रिलेटेड कर रहा होता, होटल्स में गा रहा होता, पब्स में गा रहा होता, बार्स में गा रहा होता, जहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियां शराब शुरू पी रही होती, तो उनको देख। So why Milind is so much into this दारू thing, party thing? Is there something that motivates you? क्या बोल रहे हैं? मेरे लिए भी एक song मेरे लिए बता दो मिलिंद सर, एक तो मिलिंद की spelling बलराज भैया आपको अभी तक नहीं आया। हमारे साथ बलराज स्याल है, the most famous TV celebrity and he is my brother after all.
तो बलराज भैया के लिए। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के, क्योंकि तू मेरा मिलवा। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक से, मुझे खाक। दिलजीत पाजी, अजीत सर, आई लव यू मेरी बहना। मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा आप बता रहे थे कि आप कहीं ना कहीं म्यूजिक से रिलेटेड कुछ कर रहे थे, और इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था दैट व्हाट मोटिवेट्स यू अबाउट सो मच अबाउट पार्टी, गर्ल्स, दारू एंड एवरीथिंग। हां, दारू का जिक्र आया था यार, मुझे पता नहीं क्यों लोग दारू से इतना लिंक करते हैं। जस्ट दारू इज अ कमर्शियल फैक्टर। आप अगर पुराने गाने देखो तो किशोर कुमार साहब की कितनी हम रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो उन्होंने भी गाया थोड़ी सी जो पी ली है, ठीक है। और नुसरत फतेह अली खान साहब ने क्या गाया, वो ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तो ये जस्ट ये, आप इसका मतलब ये नहीं कि वो दारू को प्रमोट कर रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो बहुत दिग्गज लोग हैं यार। और ये सिर्फ एक कमर्शियल एस्पेक्ट है गानों का, क्योंकि अगर लड़की पे गाने बन सकते हैं, दारू पे भी बन सकते हैं, दारू पे बन सकते हैं तो गाड़ी पे बन सकते हैं, गाड़ी पे बन सकते हैं तो यारों भी बन सकते हैं, यारों पे बन सकते हैं तो माँ भी बन सकते हैं, हर चीज पे गाने बन सकते हैं। जस्ट दारू तो बहुत छोटा फैक्टर है यार। So, जैसे अभी हमने देखा आपने दारू का जिक्र किया है, और दारू की जैसे ठेके खोले इतनी लंबी 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 लाइनें हमें लगी कि लोग भूल गए कि हम कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में थे। सो उन दारू पीने वाले लोगों के लिए करेंगे दारू पार्टी हम, इफ यू कैन सिंग फॉर अस। यस फॉर श्योर। कैसे आप बन के आए हो ना, कैसे स्टोरी लाइन बनाई है ना आपने। ठीक है, ओके, वन सेकंड। ए भाई थोड़ी और डाल दे, फ्रिज विचो आइस क्यूब भी निकाल दे, हाथ में लेकर हो कुछ ना फिकर हो, ना हो घर वाले ना ही उनका डर हो, विस्की हो यार हम बढ़ते चले, हम रुकेंगे ना ये कदम, करेंगे दारू पारे, ए ए करेंगे दारू पारे, ए ए करेंगे दारू पारे, पारे क्रिटिकल अक्लेम फ्रॉम द सेलिब्रिटीज और फ्रॉम बॉलीवुड, सो व्हाट मैटर्स द मोस्ट, गेटिंग अ क्रिटिकल अक्लेम फ्रॉम अ पर्सनालिटी और फ्रॉम द क्रिटिक्स और द व्यूअर्स और योर फैंस दैट आर गिविंग यू लव? देखो, फ्रॉम द डे वन जिसने आपको सपोर्ट किया, आप उसको उसको आपको नहीं भूलना चाहिए। तो मेरे पास कितने भी बॉलीवुड सेलेब, कुणाल प्रीतम कह रहे हैं चुम्मा, कुणाल प्रीतम आई एम स्ट्रेट लाइक अ रॉड, तो यहाँ पे तो चलेगा नहीं चुम्मा। तो अच्छा, जितने भी आप बड़े बन जाएं तो आपको उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जब जो आप जो आपके साथ थे व्हेन यू स्टार्टेड। तो मेरे पास जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हों, जितने भी मेरे दिल के करीब हों, बट प्राइमरीली इनिशियली मेरे पास ये लोग हैं जो कमेंट कर रहे थे। जब मेरा इंस्टाग्राम फॉलोवर एक था या 1,000 था या 10,000 था, या जब मैंने गाना शुरू किया था, तो वो सामने वाला जो लड़का बैठा हुआ था बार स्टूल पे, जिसने कहा कि भाई आप बहुत आगे जाओगे, दिस एंड दैट, ये वो, तो वो मैटर करता है। ये ऑफकोर्स बॉलीवुड मैटर करता है, और इनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही, इनके विशेष की वजह से ही बॉलीवुड आएगा या आया है या आने वाला होगा, या जो भी जब भी होगा तब होगा। तो ऑफ कोर्स दीज पीपल आर माय लव्ड वंस, आई प्रेफर दीज पीपल मोर। सो मिलन, जैसे हमने देखा है दैट ऑल द पंजाबी इंडस्ट्री इज नाउ इन बॉलीवुड, नॉट ओनली सिंगिंग बट एक्टिंग ऑल्सो, सो इज देयर एनी अदर एनी प्लान्स फॉर मिलन गाबा, थोड़ी सी एक्टिंग देखने के लिए मिलेगी बॉलीवुड में, या सॉन्ग्स बहुत ज्यादा सुनने को मिलेंगे मिलन के इन बॉलीवुड?
मैं कोशिश करूंगा, मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि मेरे गानों में ही एक्टिंग देखने को मिले, क्योंकि ये फिल्म के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है यार, और बहुत सारा टाइम निकालना पड़ता है एक्चुअली, और वो टाइम थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि, हालांकि मुझे एक्टिंग से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ही ज्यादा प्यार है मुझे. मैं कल अंकुर भाई से, अंकुर पाठक भाई इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, उनसे ये बात कर रहा था कि मेरी गलती ये हो गई कि मैंने टाइम पे एनएसडी ज्वाइन नहीं किया है. मुझे पता नहीं चला कि एनएसडी होता क्या है. अगर मुझे पता चल गया होता तो मैं एनएसडी साइड बाय साइड करता, थोड़ी थोड़ी एक्टिंग सीखता, थोड़ा थोड़ा म्यूजिक करता. बट अभी जितनी भी आती है वो बहुत नेचुरल एक्टिंग है, और वही वीडियोस में देखने को मिलती है, तो वीडियोस में ही देखने को मिलेगी उसके, अभी फिल्म का कोई चक्कर नहीं. So, Milind, अभी और कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप काम कर रहे हो, कौन से न्यू सिंगल्स हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं? बहुत सारे सिंगल्स आने वाले हैं मेरे, और एक कोलैबोरेशन बहुत मेरे दिल के करीब है, वो तुलसी कुमार मैम के साथ है. मैं हमेशा उनके बारे में जब बोलता हूँ तो मेरे दिल में एक स्माइल सी आती है, बिकॉज़ शी इज वेरी स्वीट, शी इज वेरी हम्बल यार. वो ऐसा लगता है नहीं कि यू नो द तुलसी कुमार है, यू नो द बिग सेलिब्रिटी और जैसे ना, तो शी ट्रीट्स मी एज लाइक अ फैमिली. तो उनके साथ मैंने गाना किया, उनके साथ बहुत ही रोमांटिक सैड गाना किया, और वेरी गुड शॉट वो गाना है. तो आई थिंक वो थोड़ा सा रोमांटिक सैड गाना है अदर देन पार्टीज, सो थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर मिलिंद. हाँ बिल्कुल डिफरेंट है, और उसके बाद जो आएगा वो और भी डिफरेंट होगा. तो जब भी मेरे गाने आते हैं तो एक दूसरे से डिफरेंट ही होते रहते हैं, नो कोई भी आपस में रिकॉग्नाइज नहीं करता, सिमिलर नहीं होता. तो यस द नेक्स्ट वन इज तुलसी मैम, फिर उसके बाद आई थिंक मेरा सिंगल होगा. So, Milind, एक क्वेश्चन है, आपकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, इवन व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टाग्राम. या यू कैन एड्रेस देम, आई हैव नो इश्यूज. नो इट्स ओके, इट्स ओके. ओके, सो यू आर लाइक, व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टाग्राम ओनली, यू हैव 4 मिलियन फॉलोअर्स जिसमें से 70% गर्ल्स है. सो इज देयर एनी मोमेंट जब आपको लगा हो कि यार बहुत एंबैरेसिंग मोमेंट हो गया है फॉर मी, एनी फैन दैट यू रिकॉग्नाइज राइट नाउ, क्या ये सीन नहीं होना चाहिए था, ये चीज क्यों हो गई? नहीं ऐसा वियर्ड मोमेंट नहीं, ऐसा वियर्ड मोमेंट तो नहीं हुआ, बट आई फील ये वही लोग हैं जो आई थिंक रोज मुझे सपोर्ट करते हैं, फ्रॉम द डे वन सपोर्ट कर रहे हैं, एंड इनकी वजह से ही इतनी 4 मिलियन बड़ी फैमिली हो गई. हालांकि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, हमने बहुत आगे जाना है, एंड मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं कुछ करूँ तो इनको ज्यादा प्राउड हो, भले ही मतलब इंस्टेड ऑफ मुझे प्राउड हो उस काम से. तो आई लॉट यार. Milind, कोई ऐसा एक और क्वेश्चन है मेरे पास, एंड धीरे धीरे हम रैप भी करेंगे. सो Milind, एक क्वेश्चन है, इज Milind Gabba सिंगल और ही डेटिंग समवन? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सो ये क्वेश्चन Milind आज से नहीं करने वाले हैं. Milind थोड़ी बात हमसे भी भाई. ओम प्रकाश कैसे है भाई तू? हाँ जी हाँ जी हाँ जी. सो Milind इसका आंसर नहीं मिलेगा हमें, सीधा शादी का कार्ड का वेट कर रहे हैं हम. भी सारी लड़कियां उनको उनको चाहिए कि मैं किसी के साथ हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ. जनता जवाब नहीं मांगेगी, जिसे पूछा जा रहा है वो मांगता है जवाब कि आपको चाहिए कि मैं अपना कॉम्प्लिकेटेड हूँ क्या मिस वर्मा. बट यस मुझे बताना होगा तो मैं बैंक ऑन से बताऊंगा. प्रांजल कुशवाहा कह रहे हैं भाई सिंगल है. प्रांजल भाई आपको पता ही नहीं फिर कुछ मेरे बारे में. सो Milind लॉकडाउन के बाद क्या करने वाले हो? जैसे बाजार लॉकडाउन खुल गया, व्हाट इज Milind Gabba गोइंग टू डू? मैंने अभी एक वीडियो डाली है अपना, इसके बाद जब भी ओवर होना तो मेरी प्रोफाइल पे द लेटेस्ट वीडियो, द लेटेस्ट पोस्ट जाके चेक करना. मुझे बस स्विमिंग पूल में गो में जाके डुबकी मारनी है, दैट्स ऑल. ये मेरी लाइफ. वैसे भी कोरोना फ्री है. हां गोवा तो वैसे भी कोरोना फ्री है. अरे मगर तो क्वारंटाइन में रहना पड़ता है ना. हां तो मतलब जैसे खत्म यहां से पार्टी शुरू, जैसे ही मैं यहाँ से एयरपोर्ट तक की कैब पकड़ूंगा ना, वहीं से पार्टी शुरू हो जाएगी. सो थैंक यू सो मच Milind. थैंक यू सो मच Milind आपने हमारे साथ ज्वाइन आउट किया, एंड आई जस्ट विश दैट वी सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सिंगल फ्रॉम योर एंड, एंड
very good in Bollywood stuff as well. So stay home, you stay safe, and before you end the video, एक song आपको तो end करना ही पड़ेगा because you are here. और हम ये जो पार्टी सीरीज चला रहे हैं अपने सलम मंत्रा पे, तो वो बिना सॉन्ग के खत्म नहीं कर सकते मिलन. सो यू विल हैव टू एंड दिस कन्वर्सेशन विद अ सॉन्ग. ओके, तो मैं गाना गाता हूँ. कौन सा? जाने मेरी ये, मैं तेरा हाँ, अंजी तेरा, तू कर ले यकीन. मैनू प्यारे बस तेरे नाल, हाँ जी तेरे नाल वख ना करी. तू ही मेरी दुनिया जहान में, तेरे बाजो कौन है मेरा. वेखा तेनू नित सुबह शाम वे, ताई खिड़दा है मेरा चेहरा. हाय ओ मेरी जान, ना हो परेशान, बिना तेरे मेरा सर ना नहीं. वे माया तेरी कहे, चारों पे शाला होर कुछ मंगदा नहीं. Thank you so much, Milan. Thank you so much. And hope we meet soon and we have a very face-to-face good interview once again. जी, और जितने भी देखने, रमदान विश नहीं की आपने जान, रमदान रमादान बहुत बहुत मुबारक. जो भी इफ्तारी करने वाला भी 6-7 बजे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड एवरीबॉडी स्टे सेफ, अपनी फैमिली का ध्यान रखो. आप भी प्रियंका जी अपनी फैमिली का ध्यान रखिए. फॉर श्योर. थैंक यू सो मच मिलन फॉर जॉइनिंग अस. बाय बाय. बाय, टेक केयर. सो गाइस, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. यू And we have a surprise for you, as we are going for a series live. So we are also having a celebrity guest tomorrow at 7 p.m. And he's also a musician. So stay tuned and we'll get you updated soon. Thank you so much for joining us. This is Priyanka Bhagat signing off for CelebMantra.com.